साथियों, सेवा में अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले लोगों की संख्या अनगिनत है। ऐसे ही अगरतला में ठेला चलाकर जीवन यापन करने वाले गौतम दास जी जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। केरल के कोट्टयम में एनएस राजप्पन साहब राजप्पन जी पैरालिसिस के कारण चलने में असमर्थ हैं, लेकिन इससे स्वच्छता के प्रति उनके समर्पण में कोई कमी नहीं आई है। वो पिछले कई सालों से नाव से वेम्बनाड झील में जाते हैं और झील में फेंकी गई प्लास्टिक की बोतलें बाहर निकाल करके ले आते हैं। झारखंड में लेडी टार्जन के नाम से विख्यात जमुना टुडू ने टिम्बर माफिया और नक्सलियों से लोहा लेने का साहसिक काम किया। बल्कि 10,000 महिलाओं को एकजुट कर पेड़ों और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रेरित किया। साथियों, जैसे मदुरई के मुर्गेशन जी ने केले के वेस्ट से रस्सी बनाने की एक मशीन बनाई है। मुर्गेशन जी के इस इनोवेशन से पर्यावरण और गंदगी का भी समाधान होगा और किसानों के लिए अतिरिक्त आय का रास्ता भी बनेगा। कश्मीर के लोग विकास के मुख्य धारा से जुड़ने को कितने बेताब है। बड़े बड़े अधिकारी सीधे गांवों तक पहुंचे। जिन अधिकारियों को कभी गांव वालों ने देखा तक नहीं था, वो खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंचे ताकि विकास के काम में आ रही बाधाओं को समझा जा सके। ये कार्यक्रम हफ्ते भर चला और राज्य की सभी लगभग 4,500 पंचायतों में सरकारी अधिकारियों ने गांव वालों को सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी दी। भाई मोहम्मद असलम जी ने ये जो संदेश मुझे भेजा और उसको पढ़ने के बाद बैक टू विलेज प्रोग्राम के बारे में जानने के मेरी उत्सुकता बढ़ गई। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मन की बात को आप सभी ने जन भागीदारी की अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बना दिया है। हर महीने लाखों संदेशों में कितने ही लोगों के मन की बात मुझ तक पहुंचती है। दूर होकर भी पास हैं, आप मेरे लिए खास हैं। हर चुनौती पर, हर संघर्ष पर, जीवन के हर पड़ाव पर मेरी जुबान आपकी कहानियां हैं। दिन हो या रात हो, गमों की सौगात हो,
खुशी के जज्बात हों, कैसे भी हालात हों, मन को मन का साथ हो, बोलूं मैं पर आपके मन की बात हो, सीधे प्रधानमंत्री जी से निर्देश मिले, सूचना, प्रेरणा, प्रोत्साहन का संदेश मिले, उनका मार्गदर्शन हो, बात चले तो आपके मन की बात चले, मन की बात हर भारतीय के दिल की बात।